हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 36 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज का फुल कटिंग बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सीखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पर हम लोग बारीकी से पूरे कटिंग को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ब्लाउज कटिंग को शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक लिया है ब्लाउज को बनाने के लिए। फ्रंट ओपन पर हम ब्लाउज को कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, स्क्रीन पर जो नाप दिखाई दे रहा है, इसी नाप के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की फुल मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो अस्तर पर ब्लाउज की फुल मार्किंग करें। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। लंबाई हमारा 13 इंच है, तो 14 इंच पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे 1 इंच प्लस करके। देखिए इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग हमारा पीछे का गला है वो 9.5 इंच खुला है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे। और यहीं से आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। देखिए इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आप बोट नेक गला बना रहे हैं तो शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट अलग हो। अब यहाँ से आर्म होल में 0.5 इंच बाहर के साइड निशान लगाएंगे और तीसरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो 36 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 9 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे और लूजिंग के लिए 1/4 इंच ऐड कर लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करके देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमें कमर का निशान लगाना है, तो कमर का भी चौथा हिस्सा निकाल करके निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जो भी आपका कमर है उसका 1/4 कीजिए और निशान लगा लीजिए। इसके बाद 1 इंच बैक प्लेट्स के लिए निशान लगाएं और उसके बाद और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करके निशान लगा लें। इसके बाद सिलाई मार्जिन वाले लाइन को और फिटिंग वाले लाइन को मिला लें। अब गले के चौड़ाई का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स 2.5 इंच पर और गले की लंबाई का निशान 10 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से निशान 10 इंच पर लगा लिए हैं। इसके बाद 3 इंच नीचे से हम गले को फैला करके निशान लगाएंगे। अब हम तिरछा लाइन इस तरह से ड्रॉ करके और एक बॉक्स बना लेंगे और गले का गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए, आप चाहो तो यहाँ पर गले का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब हम बैक प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और ऊपर से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और गले का टक्स का ऊंचाई कभी भी गले का नीचे ही रखें फ्रेंड्स। इधर से 0.5 इंच और दोनों साइड से 0.5-0.5 इंच पर निशान लगा करके इस तरह से टक्स का निशान बना लेंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 0.5 इंच ऊपर के साइड निशान लगाएंगे और तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ब्लाउज के फिटिंग में कोई परेशानियाँ नहीं होगी, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी फ्रेंड्स। इससे पहले हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आर्म होल में गोलाई का शेप देंगे। देखिए इस तरह से, इस निशान से हमारी गोलाई का निशान 1 इंच की होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे 0.5 इंच।
अब हमारी बैक पार्ट की फुल मार्किंग हो गई है, हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी पैटर्न का ब्लाउज बना रहे हैं, कटोरी ब्लाउज, फोरटक्स ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं, तो बैक पार्ट का कटिंग इसी तरीके से होगा। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले हमारा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम फोल्डेड साइड की तरफ से आधा इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे मुखाई के पट्टी के लिए। इसके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए और पूरा जैसे हैं एकदम मैजेटिक मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, आर्म होल में फिटिंग के साइड एक इंच बढ़ाएंगे और नीचे से दो इंच बढ़ाएंगे कमर के साइड, और इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नीचे से लंबाई में हम बढ़ाएंगे 1 इंच, देखिए इस तरह से। इसके बाद इसे भी लाइन सीधा कर लेंगे और एक बार समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से आर्म होल के साइड 1 इंच बढ़ाया है। इसके बाद नीचे कमर के साइड 2 इंच बढ़ाया है और लंबाई में 1 इंच बढ़ा कर लिया है। फ्रंट पार्ट में देखिए फ्रेंड्स, इतना ही आपको चेंजेस करना है और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ से हम बैक पार्ट को हटा देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम इसी निशान के ऊपर से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आर्म होल के साइड थोड़ा सा निशान लगा करके और हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए मिला देंगे। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, ऊपर से भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से देखिए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखते हुए देखिए इस तरह से मिला करके शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच मुखाई की पट्टी को छोड़ते हुए और लेंथ में 6 इंच रखेंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे गले का। आप यहाँ पर गले का कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रंट पार्ट की भी फुल मार्किंग हो गई है। अब फ्रेंड्स, हम बैक पार्ट के आर्म होल को नापेंगे ऊपर के साइड शोल्डर का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा 8.5 इंच आ रहा है। अब हम बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे पहले। तो यहाँ से हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऐथू कर लेंगे कपड़े को। बाद में हम यहाँ पर जॉइंट डालेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सीधा करके कपड़े को यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से कपड़े को जमा लेंगे स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। इसके बाद यहाँ से हमारा 9 इंच आना चाहिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच लूजिंग का ऐड करके। इसके बाद यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारा पता रहे कि यहाँ कहाँ तक है। इसके बाद 3 इंच पर स्लीव्स की गहराई देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इंची टेप को रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरह से स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड्स राउंड शेप देते हुए। अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। मोहरी का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स 7.5 इंच पर।
और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब फुल मार्किंग हो गई है फ्रेंड्स लिप्स के, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे लिप्स की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसे कट करके निकाल देते हैं और नेक के भी कटिंग कर लेती हूँ। अब फ्रंट साइड का भी कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग भी इसी तरह से मार्किंग करें और प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करें फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स फ्रंट साइड में हुक हाई की पट्टी के साइड से नीचे से फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आधा इंच तिरछा करेंगे और कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग हो चुकी है। अगर हमारे वीडियो से आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।